तो ये वो दो व्यक्ति हैं, सचिन और शुभम, जो वैसी साहब के खून के प्यासे बन गए। पिस्तौल उठाकर संविधान और कानून की धज्जी उड़ाकर भारत के एक महान लीडर को मारना चाहते थे, लेकिन इनके दिमाग में इतना जहर कहां से आया? उस जहर को डालने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इन चार लोगों को लेनी पड़ेगी। एक का नाम है नरसिंहानंद सरस्वती, दूसरे का नाम है कपिल मिश्रा, तीसरे का नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, और चौथे का नाम तो चिरकुट को आप जानते ही होंगे, कौन है उसका नाम आप कमेंट में बताइए, मैं नहीं बताऊं। ये चारों वो लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के अंदर जहर भरते हैं। कपिल मिश्रा ने दिल्ली में कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो, बीप बीप बीप। नरसिंहानंद सरस्वती हमेशा ही मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ जहर भरता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मुसलमानों के एज अ देशद्रोही प्रोजेक्ट करता है हिंदुओं के सामने, और ये जो चिरकुट है लास्ट, जिसका नाम आपको कमेंट में बताना है, इसका पूरा चैनल ही देशद्रोही वाला काम करता है और मुसलमानों को ऐसा दिखाता है कि ये मुसलमान भारत में रहने ही नहीं चाहिए। इन चारों के जहरीले भाषण, बयान और एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे हिंदू यंगस्टर, जिनको रोजगार करनी चाहिए, जिनको डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, वो लोग पिस्तौल उठाकर दंगाई बन रहे हैं। और इस भारत के इतिहास में आज इनके वजह से, जिन जो जहर इन लोगों ने फैलाई है, इनके वजह से हिंदुओं को रोजगार नहीं बल्कि उनको मुसलमानों का खून चाहिए। तो यह बहुत बड़ी बात है। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बैरिस्टर ओवैसी साहब कोई आम नेता नहीं है। वो इंटरनेशनल मंच पर भारत के माइनॉरिटीज की बात रखते हैं, और उन पर हमला संविधान पर हमला होने के बराबर है, जैसे गांधी पर हमला हो गया। चूंकि गांधी तो शरीफ था, बेचारा मर गया, पर ओवैसी साहब या फिर वो लोग ऐसे नहीं है, वो लोग लड़ने वाले लोग हैं। अगर कोई एक मारेगा तो वो 10 मारने की ताकत रखते हैं। तो अमित शाह को इन चारों लोगों पर संज्ञान लेना चाहिए, और इन चारों पर धारा UAP अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। चारों को देशद्रोही घोषित करना चाहिए और चारों को जेल के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद कर देना चाहिए। वैसे तो नरसिंहानंद सरस्वती जेल में है, लेकिन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और कपिल मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और ये चिरकुट, जिसका नाम आपको कमेंट में बताना है, ये तीनों आज भूखे भेड़िए जैसा बाहर घूर रहे हैं और हिंदुओं को दंगाई बनाने का काम कर रहे हैं और मुद्दे को भटका रहे हैं। तो ये वीडियो इतनी ही तक, अब तक इतना ही खबर है। दो लोग पकड़ा चुके हैं और भी लोगों की तलाश है। जैसे जैसे इस मुद्दे पर बात आएगी इंशाल्लाह वैसे वैसे डिटेल में वीडियो आपके सामने रखूंगा। तब तक उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो ओवैसी साहब की रक्षा करें, क्योंकि ओवैसी साहब ना पहले सिक्योरिटी लेते थे ना ही वो आगे लेंगे। मैंने 3 दिन पहले वीडियो आपके सामने रखी थी कि जिस तरीके से ओवैसी साहब रैली कर रहे हैं बिना प्रोटेक्शन के, यूपी के मुसलमानों का ये दायित्व है कि वो ओवैसी साहब की रक्षा करे, ओवैसी साहब की निगरानी करे और आसपास के माहौल को ठीक रखे। संविधान को बचाने की इस लड़ाई में ओवैसी साहब का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओवैसी साहब को हमारे सर के ऊपर सलामत रखे। जब तक वो जिंदा है वो संविधान के लिए लड़ता रहेगा। ये लड़ाई उनके अकेले की नहीं है। जिन लोगों ने उन पर हमला किया वो लोग ओवैसी साहब का ऐसा मुस्लिम बोलकर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको संविधान से चिढ़ है। उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, उनको संविधान खत्म करना है, मुसलमानों के दुश्मन है, इसीलिए उन लोगों ने ओवैसी साहब के ऊपर हमला किया। लेकिन अब जिम्मेदारी बनती है कि यूपी सरकार, सेंट्रल सरकार, मोदी सरकार इस पर क्या फैसला देती है और इस पर कितने बड़े लोगों का नाम सामने आता है, वो तो वक्त ही बताएगा। ओवैसी साहब के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ और इस हमले में मुसलमानों के लिए बहुत बड़े सबक है। इसका CCTV फुटेज बाहर आया। इस फुटेज को आप मेरी नजर से देखिए। इस फुटेज में आप क्लियर तौर पर देखिए कि काले गाड़ी के सामने से एक लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ इंसान दौड़कर भागता है और उसके हाथ में एक पिस्टल रहती है, बंदूक रहती है, और वो निशाना साधता है ओवैसी साहब की गाड़ी के ऊपर, जहां पर ओवैसी साहब बैठे रहते हैं। कि तभी अचानक जब वो हमला कर ही रहा होता है, एक गाड़ी व्हाइट कलर की ओवैसी साहब की गाड़ी आती है और उसे वहां से चढ़ाने की कोशिश करती है। ये देखिए, गाड़ी आई और उसे रौंदती हुई थोड़ी आगे चले गई, जिसमें उस गोली मारने वाले गिदड़ का पैर जख्मी हो जाता है और वो जैसे तैसे उठकर वहां से भागने लगता है। उसके बाद एक व्हाइट कलर का बंदा कपड़ा पहनकर जो गोली चला रहा है उसकी फायरिंग और बढ़ जाती है और वो ताबड़तोड़ गोली चलाने लगता है। जब तक कि किसी की मौत ना हो जाए तब तक वो गोली चलाता है। उसके बाद वो वहां से गीदड़ों के जैसा सर छुपाकर भागने लगता है और वहां से फरार होने की कोशिश करता है।
इस वीडियो में जहां पर आपने देखा कि गाड़ी लाल कलर के कपड़े पहने हुए एक भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले शख्स के ऊपर चढ़ाई, वो कोई और नहीं बल्कि AIMIM के नेता माजिद हसन साहब थे। यह हैदराबाद के पूर्व मेयर हैं और AIMIM के खास सिपाही हैं जो ओवैसी साहब के साथ हमेशा रहते हैं। मुसलमानों को समझना चाहिए कि जब अपनी जान के ऊपर बनाए और सामने वाला आपके लिंचिंग करने आया हो तो फिर आपको उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए, क्योंकि वो आपको मार देगा। और सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर गाइडलाइन है कि जब आपके जान के ऊपर बना है तो फिर आपको जो भी करना है आप करो, कानून आपका साथ देगी। अगर माजिद भाई उस पर गाड़ी नहीं चलाते तो पता नहीं उसकी गोली का शिकार कोई और हो जाता। तो माजिद भाई के लिए एक बहुत बड़ा सलाम लोगों को करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कैसा मर्द मुजाहिद मुसलमानों के अंदर और पैदा हो ताकि उनको सबक सिखाया जाए। दूसरी बात, जिस शख्स ने गोली चलाई उसमें से एक शख्स का नाम सचिन बताया जाता है, जो कि अपने आप को देशभक्त सचिन हिंदू के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में दिखाई देता है। और दूसरे शख्स का नाम शुभम बताया जाता है, जो तलवार लिए इस वक्त पिक्चर में आपके सामने खड़ा दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि उनके बड़े भाई, उनको फिक्र तो होनी थी। सवाल यह पैदा होता है कि इन सबका मास्टर माइंड आखिर कौन है, कौन किसको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उससे पहले जो कुछ भी उस वक्त हुआ ओवैसी साहब के निकलने से लेकर हमला तक और फिर दिल्ली पहुंचने तक, हो गए सर क्या मामला है? देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो टारगेट यहाँ से जा रहा था उस पर दो व्यक्तियों ने फायरिंग की है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है, तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए 5 टीम लगी हुई हैं पीछे, जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए मोटिव और वो सारी चीज़ें, क्योंकि अभी इसमें इंटरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सर क्या नाम है आरोपी का जो जिसपे गिरफ्तार? अभी अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं, आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। क्या किसी तरह के झगड़े की भी बात आई है? देखिए इसमें CCTV फुटेज भी हम दिखवा रहे हैं जो इंसिडेंट हुआ है। यूपी सरकार, सेंट्रल सरकार, मोदी सरकार इस पर क्या फैसला देती है और इस पर कितने बड़े लोगों का नाम सामने आता है वो तो वक्त ही बताएगा। तब तक इस वीडियो को लाखों मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए इसको जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, उसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप सब इस खबर को सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप अपनी बात एक लाइन के अंदर कमेंट में रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे अभी के अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम 5 बड़े फेसबुक के ग्रुप में शेयर कीजिए और माजिद साहब से सबक लेते हुए अपने आप की रक्षा करना सीखिए, क्योंकि आज न जाने माजिद भाई अगर नहीं होते और उस पर गाड़ी नहीं चढ़ाते तो आज रिजल्ट कुछ खतरनाक निकलने वाला था। तो बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई का। माजिद भाई एक मर्द मुजाहिद है जिसकी आज कौम को ज़रूरत है और ओवैसी साहब की तो बात ही निराली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह की सलामती रहमत वबरकात। आप तमाम भाई और बहनों पर हो, मैं अल्लाह भी पीछे।